अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 1, 2, 3, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बायोमेडिकल का मैथ है और हम इसका जो है ना पेपर ए और 2022 का सेकेंड एनुअल जो सप्लीमेंट्री का पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई पेपर मौजूद है तो वो मुझे आपने व्हाट्सएप कर दें या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो उसमें दिया होगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ से जाके आप अपलोड लाजमी कीजिए। और ये पेपर 2022 का सप्लीमेंट्री का पेपर है फर्स्ट ईयर का, में बायोमेडिकल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ये जो ख़ास तौर पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये टेली कम्युनिकेशन वालों का भी है। और ये मैथ का कोड है 1, 2, 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। पेपर ए एम जो है मेरे पास मौजूद है सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर। सेक्शन में आप देखें 1 में तो इनके पहले चैप्टर में से ये देख लें जी, 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल इनके पहले चैप्टर में से आते हैं। अब इसको आपने रैशनलाइज एक्सरसाइज से मैच कर लेना है, अभी मैंने नहीं किया इसको, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 होता है वो बायनोमियल थ्योरम होता है, तो बायनोमियल थ्योरम में भी देख लें 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल आपके बायनोमियल थ्योरम में से होते हैं। आपका जो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें आपके ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 तक तो ओके, पहले 10 सवाल आपके पहले 2 चैप्टरों में से हो गए। 11 से देखें ये कन्वर्ट वाला, ये चैप्टर 3 है, 1 ट्रिग्नोमेट्री का, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ तक ही है बिल्कुल। और ये आपके अगले 5 सवाल जो हैं वो तीसरे चैप्टर में से है, 15 आपके आपने 18 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट देखें तो 16 पे ये छठा चैप्टर 1, 2, मतलब आपका चैप्टर 4 होगा, 1, 2, 3, 4 ये सवाल बन रहे हैं, ठीक है, 4 है यहाँ तक 18 तक, ठीक है जी। ये आपके 18 नहीं बल्कि 19 तक है, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन जो होता है ये चैप्टर आपका 5 है, ठीक है ना, जो 1, 2, 3 का मैथ का चैप्टर 7 है और आपका चैप्टर 5 है। उसमें इसमें आपके 1, 2, 3, 4 सवाल बन रहे हैं, ठीक है। और जो आपका चैप्टर नंबर 6 होता है वेक्टर्स, उसमें से आपके 1 और 2 3 बिल्कुल 3 के लग रहे हैं मेरा ख्याल है, वर्सेस अलजबरा में से इसमें कोई सवाल नहीं मिल रहा, ये सारे एक वेक्टर के ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सवाल आपके वेक्टर्स में से है, वर्सेस अलजबरा में से कोई नहीं है फिलहाल इसमें, वो भी बहुत आसान है, वेक्टर ही की शक्ल का है इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रही होगी तो वो इसमें मौजूद हो सकता है, वो वेक्टर जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, बहुत सिंपल सा है, इसके क्वेश्चंस आप नोट कर लें। लॉन्ग सेक्शन में चले जाते हैं तो ये आपका चैप्टर 1 में से 1 और 2, लेकिन आपने 5 इसको रैशनलाइज एक्सरसाइज में से लाजमी चेक कर लेना है, ठीक है। ये चैप्टर 1 में से 1 चूज हो गया आपका, ए बी पार्ट, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये एक्सपेंशन वाला, ये चैप्टर आपका है 2 बायनोमियल थ्योरम। उसके बाद आपका ये चैप्टर 3 आएगा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ठीक है, चैप्टर 3 में से है, अगर ये रैशनलाइज में नहीं है तो फिर ये नहीं आप कब करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका चैप्टर जो है ये भी 3 लग रहा है वैसे, ठीक है, या 4 भी हो सकता है, और ये वाला तो चैप्टर 4 ही है ना आपका, ये 5 वाला, हाँ ठीक है, ये 3 में से आपके 2 सवाल हैं, लॉन्ग पूरा आता है और 4 में भी आपका पूरा लॉन्ग है देख लें, ठीक है, और 5 वाले में आपका जो है वो कोई सवाल नहीं है इसके अंदर, 5 वाला नहीं है, ठीक है। ये बी पार्ट जो है ना ये 5 में से है और ये 4 में से ही है फिर दोनों, और ये क्वेश्चन 6 है आपका, ये आपका है जी अल्लाह भला करे ये वेक्टर में से है, ठीक है, वेक्टर वाला नीचे लग रहा है, ऊपर फैक्टर्स अलजबरा लग रहा है, बहरहाल चेक कर लीजिएगा इसको। ये मैथ 1, 1, 3 का जो है ना चैप्टर 8 है वेक्टर वाला, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसलिए परेशान नहीं होना आपने, आपके सारे के सारे मैथ कुछ चैप्टर्स आपके मैथ मतलब के 1, 1, 3 से मैच करते हैं, तो नोट कर लें अपनी टेक्स्ट बुक पे, फिर मैच करें आप क्या कहते हैं रैशनलाइज एक्सरसाइज से। अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं होता है उसमें तो फिर वो आपने जो है ना वो छोड़ देना है। तो इसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो कमेंट, इसी पेपर का भी रेफरेंस देते हुए आप इसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं नीचे, कि इसका जो क्वेश्चन नंबर फलां आपने करना है, ये सीखना है, ये समझना है, या किसी बुक का कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपके पास कोई पास पेपर पड़े हुए हैं, कोई भी पेपर्स मौजूद हैं, पास पेपर हैं, करंट है, जो भी आप करंट पेपर भी देंगे 1, 2, 3 का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पेपर आपने मुझे व्हाट्सएप में 2023 का जो फर्स्ट एनुअल है, ठीक है, और अगर आपके पास इसका 2023 जो 2 का फर्स्ट एनुअल का मौजूद है तो वो भी मुझे सेंड कर दें, क्योंकि अभी तक मौजूद नहीं है मेरे पास, तो वो भी मुझे सेंड कर दें। और इसके साथ ही जो है कोई जो भी मौजूद है तो वो आपने मुझे अपलोड कर देने हैं, कम्युनिटी टैब के सेशन में चले जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक पर आप मुझे पेपर जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो मुझे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जस्ट आपने वो उसमें अपलोड करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।